कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल 18 मई को दिया था त्यागपत्र। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले उनके पार्टी बदलने का कदम कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष सीआर की मौजूदगी में ली शपथ हार्दिक पटेल का कहना कि वह कांग्रेस सरकार से काफी नाराज हैं। कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं राजनीति में जनता के लिए काम करने आया था, मुझे पद का कोई लालच नहीं है। पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रहित, जनहित, प्रदेश हित के लिए कार्य करने जा रहा हूं। ट्वीट के बाद बीजेपी में हुए शामिल हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होते हुए कहा कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने कभी किसी भी पद की कोई मांग नहीं की और ना ही बीजेपी में आकर किसी पद की मैं मांग करूंगा। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं और यही कारण है कि मैं बीजेपी में शामिल हूं। हार्दिक पटेल ने कहा, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल 18 मई को दिया था त्यागपत्र। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले उनके पार्टी बदलने का कदम कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष सीआर की मौजूदगी में ली शपथ हार्दिक पटेल का कहना कि वह कांग्रेस सरकार से काफी नाराज हैं। कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं राजनीति में जनता के लिए काम करने आया था, मुझे पद का कोई लालच नहीं है। पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रहित, जनहित, प्रदेश हित के लिए कार्य करने जा रहा हूँ। ट्वीट के बाद बीजेपी में हुए शामिल हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होते हुए कहा कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने कभी किसी भी पद की कोई मांग नहीं की और ना ही बीजेपी में आकर किसी पद की मैं मांग करूंगा। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं और यही कारण है कि मैं बीजेपी में शामिल हूं। हार्दिक पटेल ने कहा, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल 18 मई को दिया था त्यागपत्र। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले उनके पार्टी बदलने का कदम कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष सीआर की मौजूदगी में ली शपथ हार्दिक पटेल का कहना कि वह कांग्रेस सरकार से काफी नाराज हैं। कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं राजनीति में जनता के लिए काम करने आया था, मुझे पद का कोई लालच नहीं है। पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रहित, जनहित, प्रदेश हित के लिए कार्य करने जा रहा हूँ। ट्वीट के बाद बीजेपी में हुए शामिल हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होते हुए कहा कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने कभी किसी भी पद की कोई मांग नहीं की और ना ही बीजेपी में आकर किसी पद की मैं मांग करूंगा। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं और यही कारण है कि मैं बीजेपी में शामिल हूं। हार्दिक पटेल ने कहा, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।